निजाम कैसा होगा, लाहौर न्यूज अहम मालूम सामने ले आया। 2001 में 13 महकमे थे, अब एक भी नहीं। सियासी ढांचा कमजोर करीब 2003 आवाम नुमाइंदों के हाथ खाली, और अब आप बदले जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास। वज़ीर-ए-आज़म के 100 दिन के एजेंडे पर ब्रीफिंग। उस्मान बुज़दार का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के विजन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। इजलास में चाय और बिस्किट से वुज़रा की तवाज़ो की जाएगी। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पहले सरकारी दौरे पर आज लाहौर आएंगे। जमान पार्क में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। वज़ीर-ए-आज़म की रिहायशगाह के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब काबीना और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। ज़मीनी इलेक्शन में उम्मीदवारों की टिकट्स पर भी मुशावरत होगी। आरिफ अलवी को पंजाब में वाज़ह अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। इनकी कामयाबी हकीकी जमहूरियत की तरफ एक और कदम साबित होगा। चौधरी सरवर, वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार और नामजद गवर्नर चौधरी सरवर आरिफ अलवी को आज इशाया देंगे। पंजाब के तमाम एमपीएस और एमएनए शिरकत करेंगे। ज़मीनी इलेक्शन लाहौर के चारों हलकों के उम्मीदवारों की लिस्टें आवेज़ा। कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर 58 और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 73 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल 4 सितंबर तक जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब के रात गए हंगामी दौरे। उस्मान बुज़दार का डॉक्टर यास्मीन राशिद के हमराह कहाना अस्पताल और जनरल अस्पताल का दौरा, तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। कहाना अस्पताल में नाकी सफाई पर इजहार बरहमी। जनरल अस्पताल में हामला खातून को गायनी वार्ड से निकालने पर वजीर सेहत का नोटिस। वज़ीर-ए-आला पंजाब का थाना मुस्तफाबाद का भी दौरा, रिकॉर्ड चेक किया। सरकारी अस्पतालों में 2200 असामियों पर नर्सों की भर्ती की मंजूरी। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों से नारवा सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे, नर्सेज के मसाइल हल करेंगे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन के वफद की मुलाकात। हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों के मुकाबले की मनसूखी पर इजहार तशक्कुर। जामिया नई मियां के जेरे तमाम क्वीन मेरी कॉलेज से प्रेस क्लब तक रैली, खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ लाहौर बार की हड़ताल। क्लीन लाहौर मिशन, अनारकली बाजार और नीला गुंबद पर तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 5 ट्रक सामान जब्त। इंक्रोचमेंट अमले ने रेढ़ियां, स्टॉल्स और केबिन काउंटर जब्त करके स्टोर में जमा करा दिए। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 21 खवातीन असातिजा की ग्रेड 18 में तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खवातीन असातिजा को असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर रेगुलर बुनियादों पर तैनात किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ ब्लाइंड 2.5 माह के शॉर्ट कोर्सेज करवाने का फैसला। दाखिला फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 6 सितंबर मुकर्रर। शौहर का पांव पड़ना भी काम ना आया, बीवी का सुलह करने से साफ इनकार। हाईकोर्ट में मियां बीवी के दरमियान झगड़े का केस। अदालत ने मियां बीवी को मसालेहत के लिए टाइम दिया। शौहर बीवी की मिन्नतें करता रहा मगर बीवी ना मानी, अपनी मर्जी से घर छोड़ा, शौहर के साथ नहीं रहना चाहती। रुबीना बीवी का अदालत में बयान। अदाकारा नरगिस और मेगा के खिलाफ बयान देने पर सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने मुआफी मांग ली। फनकारों की बहुत इज्जत करता हूं, आइंदा एहतियात करूंगा, मजाक में कही गई बात किसी और तरफ चली गई। मेगा और नरगिस मेरे लिए काबिले एहतराम हैं, फयाजुल हसन चौहान। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर जाकिर खान को चेयरमैन पाकिस्तान सुपर लीग मुकर्रर किए जाने का इम्कान। डॉक्टर जाकिर खान को पीसीबी में डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स और डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस भी मुकर्रर किया जाएगा।